मीटर को हिंदी के अंदर बहुमापी बोलते हैं, एवोमीटर भी बोलते हैं। एवोमीटर के अंदर ए का मतलब डीसी करंट को नापना, बी का मतलब वोल्टेज को नापना, ओ का मतलब प्रतिरोध को मापना। डिजिटल जो मल्टीमीटर होता है उसमें सक्रिय कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं, जैसे डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। इसके अंदर एक नंबर जो पॉइंट है इसके पार्ट की बात करें तो फंक्शनल रेंज सेलेक्टर स्विच, इस रेंज सेलेक्टर स्विच को अलग अलग पे सेट करके अलग अलग राशियां मापी जा सकती है। जैसे एसी वोल्टेज नापना है तो रेंज सेलेक्टर स्विच को एसी वोल्टेज पे सेट कर दो, यदि आपको डीसी करंट नापनी तो इसको इधर सेट कर दो, यदि आपको ट्रांजिस्टर नापना है तो रेंज सेलेक्टर स्विच को या ट्रांजिस्टर के ऊपर सेट कर दो, डायोड नापना है यहां कंटिन्यूटी नापनी है यहां प्रतिरोध नापना है यहां और डीसी वोल्टेज नापनी है तो यहां, इनको अलग अलग आप इसको। इसकी जो डिस्प्ले होती है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, 3.5 डिजिट की होती है, 7 सेगमेंट होते हैं इसके और इसके अंदर 3 जेक लगी होती है जिसके अंदर प्रोब्स को लगाया जाता है। ये अपने पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है, इसके अंदर ये अपने क्या है प्रोब्स और ये क्या है जेक। अब जेक के अंदर जो ब्लैक कलर की प्रोब्स होती है वो हमेशा कॉमन के अंदर होगी। यदि डीसी वोल्टेज नापना है तो इस प्रोब्स को इस जेक के अंदर डालना है, यदि आपको वोल्टेज मिली एम्पियर और प्रतिरोध नापना है तो आपको इसके ऊपर सेट करना है। अब इस रेंज सेलेक्टर के द्वारा अलग अलग मान को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अलग अलग है, जैसे कंटिन्यूटी नापने तो वायर से कंटिन्यूटी नाप सकते हो, वायर माउंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कार्बन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सिरेमिक अपने पास रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और अपने पास एक डायोड है। डायोड क्या होता है, एसी को डीसी में बदलता है और इसके द्वारा इसको भी आप इससे चेक कर सकते हो।